हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका, हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए, जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन, अगर वो क्लैश कर रहा है, जहां पे क्लैश कर रहा है एग्जाम डेट्स। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। देखिए, दो चीज हो सकता है, या तो आप जेआईबी सीआईबी दे रहे हैं जिस समय, उस समय आप बैंक प्रमोशन के लिए या तो एलिजिबल ही नहीं है। क्या है, बैंक प्रमोशन के लिए हो सकता है कि आप इलिजिबल हो या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, दो ही बात हो ना, या इलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, और जेआईबी सीआईबी दोनों में से कोई भी एग्जाम हो, यहां पर तो केवल 50% ही मार्क्स लाना है। ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, इतना लाओगे तो पास हो जाओगे। पर बैंक प्रमोशन में वैसा कुछ नहीं है, यह है कॉम्पिटिशन। ठीक है, और यहां पर जब तक आप फाइट नहीं करिएगा, यानी फाइट नहीं करिएगा तो मुश्किल है आपका नाम आना। फिर दोनों ही चीजों के लिए प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, ये भी पता होगा आपको, दोनों ही चीजों के लिए प्रिपरेशन चाहिए। अगर बैंक प्रमोशन के लिए एलिजिबल है तो बैंक प्रमोशन नॉर्मली नेशनलाइज्ड बैंक की अगर हम बात करें तो ये होता है दिसंबर जनवरी के फेज में ज्यादातर होता है एग्जाम, और उसी समय आपका प्रमोशन का भी चालू हो जाता है। ठीक है, सॉरी, जेआईबी सीआईबी भी होता है उसी समय और प्रमोशन भी चालू हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, आप समझिए, अगर मैं जेआईबी सीआईबी पढ़ता हूं, चाहे आप जेआईबी सीआईबी पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा, एग्जाम देना है तो नेचुरल सी बात है, और बैंक प्रमोशन पढ़ना, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। या तो आपने जेआईबी सीआईबी अगर पहले से पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, दो चीजें होती है ना, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो शांति से आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना, तो कुछ करना नहीं है आपको, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू, सीधा से बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। पर अब अभी स्टार्ट ही किए हैं हम प्रिपरेशन करना, क्या किया अपने, जस्ट जीआरबी मान लीजिए कि हम प्रिपेयर करना स्टार्ट किए। ठीक है, तो अब आप जीरो से पढ़ रहे हैं, टाइम लगेगा, है ना, इस पर टाइम लगता है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुरंत हो जाएगा। सेम कहानी है बैंक प्रमोशन का, अगर बैंक प्रमोशन ऑलरेडी तैयारी है आपका, ऑलरेडी प्रिपेयर किया है तो कोई बात नहीं है, तब तो फिर आप कर सकते हैं, जहां ऑलरेडी प्रिपेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सी बात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, या नो इश्यू है, ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हर किसी के लिए, या प्रिपेयर स्टार्ट कर रहे हैं इस केस में भी, बैंक प्रमोशन में भी, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम डिवोट करना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम सभी लोग बैंक में नौकरी करते हैं, लिमिटेड टाइम है ना, लिमिटेड टाइम है। मान लीजिए भाई, मेरे को एक घंटा ही मिलता है डेली, 1 आवर या 2 आवर मिलता है या 3 आवर मिलता है, तो भाई मैं उसमें ये पढ़ूं या ये करूं। ठीक है, अब ये सवाल है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है इसका एक ही सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, या तो भाई आप जेआईबी सीआईबी कर लो, या तो भाई आप बैंक प्रमोशन कर लो, दोनों में से चूज कर लो जो करना है, एक नाव पे सवार होना चाहिए, दोनों नाव पे नहीं। हो सकता है कोई बहुत चमत्कारी बच्चा हो, बहुत दिमाग वाला बच्चा हो, दोनों निकाल लेगा, पर ज्यादातर लोग डूब जाएंगे। ठीक है, ना यही निकलेगा ना वही निकलेगा, तो आप कुछ एक पे फोकस करिए, अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन निशाना लगाता है ना, एक पे लगाता है, है ना, एक बोलते हैं चिड़िया की आंख दिख रही है, वैसे ही समझ लीजिए, आपको एक चीज पे चाहिए, ये करना ये कर लीजिए, मेरे से पूछिएगा तो मैं आपको बैंक प्रमोशन का सलाह दूंगा। क्यों, ये साल में वंस इन ए ईयर होता है, राइट, वंस इन ए ईयर। ठीक है, और ये जो होता है आपका, बोल सकते हैं 2 टाइम्स होता है साल में, है ना, 2 टाइम्स होता है, तो इस बार नहीं हुआ तो आप मई का जून का दे सकते हैं, पर ये तो हर बार हर साल को ही होगा। अच्छा, प्रमोशन से क्या होता है, आपका रेपुटेशन बढ़ जाता है ब्रांच में, आपकी इमेज बढ़ जाती है, इससे इमेज या ब्रांड आप बोल लीजिए वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये नेचुरल सी बात है, स्किल बढ़ रही है, सैलरी बढ़ेगा, मान मर्यादा बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, मेरा ये सोल्यूशन है। अगर आपका, अब बहुत सारे लोग ये सोचे पहले इसको दे दूंगा फिर उसको दूंगा, तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा डिसीजन यहाँ पे सोच समझ के लीजिए, वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कि जेआईबी सीआईबी आप, सॉरी, मान लीजिए जेआईबी सीआईबी आपने एग्जाम दे दिया, अब मैं बोलता हूं कि आपको सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में एग्जाम है, कब है, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में है, आपको 2 हफ्ता मिल रहा है, 14 दिन का समय मिल रहा है, आपको छुट्टी लगा लो, लीव ले लो, पेड लीव में चले जाओ। ठीक है,
लीव ले लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सभी को लीव मिलेगा नहीं, ठीक है, ये सब कर सकते हैं बट लीव मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी चीज होता है, बैंक आपसे जानते हैं कैसा होता है। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है कौन सा आप करते हैं। मेरा को जो था मैंने आपको बताया, जो मेरे दिल में आया मैंने आपको बताया कि मैं ये करता, अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं ये करता, और या ये भी कर सकता हूं मैं कि पहले मैं जैबी सैबी दे दूं, मुझे पता है कि एग्जाम सेकंड वीक ऑफ जनवरी में होने वाला है या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होने वाला है, मैं छुट्टी ले लूंगा पेड लीव और फिर मैं सिंपली इसके लिए रात दिन एक करके पढ़ूंगा, वो भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, पर ज्यादातर छुट्टी नहीं मिलता इसलिए मैंने आपको बताया कि आप वन अटैम्प कर सकते हैं, और छुट्टी मिल रहा है तो फिर दोनों का तैयारी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जेबी से भी करिए बाद में प्रमोशन कर लीजिएगा। ओके चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुछ। ओके ठीक है, थैंक यू।